बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मज़ेदार होममेड फालूदा स्टाइल डेजर्ट। जी हाँ, बहुत ही मज़ेदार बनी है और आपको आएगी बहुत पसंद। हेल्दी फूड, यमी डिलीशियस, होममेड, वेरी वेरी इजी एंड डिलीशियस डेजर्ट रेसिपी, और ज़रूर ट्राई कीजिए। रमज़ान है तो बनाया हेल्दी डिज़र्ट, सबको बहुत पसंद आएगी। फ्रूट चाट, डिज़र्ट वगैरह तो हम बनाते रहते हैं और आप बनाएं इस स्टाइल में, तो बस फालूदा, तो जिनको फालूदा अच्छा लगता है तो वो इस तरह बना सकते हैं होममेड डिज़र्ट फालूदा स्टाइल। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। दूध मलंगा आपने ले लेना है 2 चम्मच और इसे पानी में भिगो के रख देना है अच्छे से मिक्स करके, ताकि ये फूल जाए। अब आपने कस्टर्ड जो बनाएंगे हम, तो मैंने इसमें 4 टेबल स्पून ले ली है शुगर और इसमें हम मिल्क डाल के इसको चढ़ा देंगे उबालने के लिए 1 कप, ठीक है। और इसमें मैंने 2 चम्मच कस्टर्ड लिया है और इसे मिल्क में थोड़ा सा ऐड करके मैं रख दूंगी, ताकि हम कस्टर्ड बना रहे हैं ना तो उसमें हमें ये ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने चढ़ा दिया अपना मिल्क बॉयल के लिए और ये देखें बॉयल हो रहा है और चीनी तो इसके अंदर मिक्स है ऑलरेडी, और ये कस्टर्ड डाल दिया हमने और इसका चम्मच चला दिया है और ये हल्का 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 हो के गाढ़ा हो रहा है। लो मीडियम फ्लेम में पकाइएगा अच्छे से इसको, और ये देखें मज़ेदार शानदार सा हमारा हो चुका है कस्टर्ड आहिस्ता आहिस्ता रेडी। कस्टर्ड सबका फेवरेट होता है, आई नो सबको बहुत पसंद है। तो ये देखें हमारा कस्टर्ड हो चुका है रेडी। अब दूसरा बाउल लिया मैंने, इसमें मैंने शुगर ऐड करी है और इसमें हमने ऐड कर दी क्रीम, व्हीपिंग क्रीम होती है ना जो हम केक के ऊपर लगाते हैं, जी बस ये वही वाली क्रीम आपने ले लेनी है। हेल्दी है ये और बहुत ही मज़ेदार, लेकिन ये व्हीपिंग क्रीम नहीं है, ये मेरे दूध की जो मलाई होती है ना ऊपर जो हम लोग जमाते हैं, 2 किलो दूध की, तो वो मैंने रख ली थी, तो मैंने उसको अच्छे से सब बीट कर लूँगी ठंडी होकर। तो ये देखें घर में ही बहुत मज़ेदार हमारी व्हीपिंग क्रीम रेडी कर रही हूँ मैं। बिल्कुल अक्सर मैं बाहर की क्रीम्स नहीं यूज़ करती, मिल्क के ऊपर की जो मलाई होती है उसे मैं निकाल लेती हूँ और मैं उसे फ्रिज में रख देती हूँ, तो और फिर इस तरह मैं बीट कर लेती हूँ, तो मज़ेदार हमारी हेल्दी क्रीम घर में ही तैयार हो जाती है। अक्सर मैं केक वगैरह में यूज़ करती हूँ। ये देखें अब आप खुद देखें कितनी मज़ेदार, मैं इसे पलटा के दिखाती हूँ, ये देखें कितनी मज़ेदार हमारी होममेड क्रीम रेडी हो चुकी है, बहुत ही ज़बरदस्त। इसमें चीनी मिक्स हुई है तो आइसक्रीम को आप ज़रूरत नहीं होगी, तो हम इसको आइसक्रीम की जगह यूज़ करेंगे। आप चाहें तो इसमें आइसक्रीम भी इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम जैसे कि बना रहे हैं हेल्दी हेल्दी डिज़र्ट रमज़ान स्पेशल, तो हमें क्रीम की ही नीड है, क्योंकि हमें ताकत की ज़रूरत होती है, लोग रोज़े रखते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे तो अल्लाह हिम्मत देने वाला है, लेकिन बस कहने में क्या है, तो हिम्मत तो अल्लाह ताला देते हैं। तो ये देखें हमारी जो क्रीम है ये हमारी रेडी हो चुकी है। मैंने इस तरह इसको पाइपिंग बैग में ऐड कर दिया है ग्लास के इस तरह करके, और ये देखें मज़ेदार से हमारी जो व्हीपिंग क्रीम है वो रेडी हो चुकी है, और बस इसे आपने रख देना है साइड पर। और ये देखें मैंने ले लिया पानी इसमें, और इसमें मैंने 1 टेबल स्पून डाले चीनी और इसमें मैंने ऐड कर दिया कॉर्नफ्लोर, ठीक है। मैंने 1 कप कॉर्नफ्लोर ऐड किया है, क्यों किया है, क्योंकि हम इसका बनाएंगे फालूदा। जल्दी से मैंने फ्लेम ऑन की और इसे हमने चढ़ा देना है, चीनी इसलिए डाली ताकि हमारा फालूदा जो है ना वो मीठा मीठा सा हो, ठीक है। तो आपने मुसलसल चम्मच चलाते रहना है अच्छे तरीके से, तो ये देखें ये होते जाएगा ड्राई और ये देखें थिक थिक सा होते जाएगा, जब ये ट्रांसपेरेंट टाइप का हो जाएगा तो बस डन 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 हो चुका है ये, और इसे आपने जल्दी से निकालना है। और जैसे जो भी आपके पास पाइपिंग बैग हो या शॉप पर हो जो दूध की थैलियाँ होती ना उसमें आप रखना है, और पानी लेना है आपने ठंडा, और हल्का सा आपने उसकी नोक से काट के इस तरह आपने ठंडे ठंडे पानी में इसको गोल गोल से डालते रहना है। मेरा दरअसल ना ये जो जल्दी जल्दी के चक्कर में वो थोड़ा मोटा कट गया था, मतलब कि आप थोड़ा बारीक भी कर लीजिएगा तो आपका फालूदा हो जाएगा, लेकिन वो जल्दी जल्दी डालना होता है, तो बस इस तरह करके आपने ग्लास ले लेने हैं। और देखें ये जो हमारा दूध मलंगा था माशाल्लाह से अच्छे से फूल गया है, तो मैंने 3-3 टेबल स्पून ग्लास में ये डाले हैं। और ये देखें अब मैं इसमें कस्टर्ड डाल रही हूँ, कस्टर्ड आपने ठंडा कर लेना है फ्रिज में, ठीक है, कस्टर्ड बना के हमने रख देना है। तो ये देखें हमारा कस्टर्ड, मैंने इसमें 2 बड़े बड़े चम्मच 2 कस्टर्ड डाल दिए, और इसमें आपने जो भी फ्रूट अवेलेबल हो, मैं डाल रही हूँ चीकू इसमें, तो आप इसमें फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं,
और इसमें मैं स्ट्रॉबेरी ऐड कर रही हूँ। तो जो भी आपके पास फ्रूट है अवेलेबल हो वो करें, पहले आप दूध मलंगा डालें, फिर आप कस्टर्ड डालें, फिर आप मिक्स फ्रूट डालें और फिर फालूदा डालें, जो हमने फालूदा बनाया है मीठा फालूदा, बहुत ही मज़ेदार घर में बन जाएगा। और फिर उसके ऊपर कस्टर्ड डालें आप, मज़ेदार ठंडा ठंडा सा कस्टर्ड और फालूदा ठंडा, हमारे जो हैं वो फ्रूट्स ठंडे, फिर उसके ऊपर आपने फ्रूट्स डाल देने। मैं कीवी डाल रही हूँ, ठीक है, तो आपने कीवी डालने हैं, आप ग्रेप्स एप्पल जो भी अवेलेबल वो डालने हैं। फिर मैंने थोड़े से स्ट्रॉबेरी और डाल दिए इसके अंदर, और फिर मैंने मीठी मीठी सी मज़ेदार हेल्दी जो क्रीम मैंने बीट की थी वो मैं इसके ऊपर डालूंगी। आप चाहें तो आइसक्रीम भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह, और फिर ड्राई फ्रूट डाल देने हैं। मैंने डाले इधर बादाम कूट कर, बहुत मज़ेदार फ्लेवर आएगा इसका क्रीम के ऊपर। और फिर पिस्ते भी मैंने पीस लिए थे, और बादाम के ऊपर मैं डाल रही हूँ पिस्ता। तो चाहें तो आप ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, और अगर आपको कलरफुल ज़्यादा करने हैं तो फिर इसके ऊपर डाल दें आप फ्रूट्स वगैरह, कीवी डाल दें, स्ट्रॉबेरी डाल दें, जो भी फ्रूट अवेलेबल वो डाल दें, और फिर थोड़ा दूध मलंगा डाल दें ऊपर, ताकि अच्छा सा और इसका लुक आ जाए और सबको बहुत अट्रैक्टिव लगे। और बस दिल चाहे तो बस चम्मच उठा के बस खाएं। और मैंने एक एक छोटे छोटे से बादाम भी रख दिए ताकि नज़र आए कि ड्राई फ्रूट हैं, वरना अंदर तो हैं इसके। तो ये मज़ेदार हमारा तैयार हो चुका है बहुत ही मज़ेदार डिज़र्ट फालूदा स्टाइल, बहुत ही यमी सॉफ्ट डिज़र्ट बना है, यकीन जाने बहुत ही मज़ेदार बना है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।